शालू हेयर, वेलकम टू माय चैनल शालू ब्यूटी एंड फैशन। मैं यहाँ पे ब्यूटी रेमेडीज और फैशन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को चेकआउट करिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा काम अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। सो आज का जो वीडियो है बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने, मेरी प्यारी फैमिली मेंबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करा था कि मैं अंडर 500 साड़ी पार्टी वेयर साड़ी हॉल लेके आऊं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो आज वीडियो कर रही वो अंडर 500 है, बट मैं कुछ दिनों के बाद और एक साड़ी हॉल लेके आऊंगी, पार्टी वेयर साड़ी हॉल, जो अंडर 250 है। आप सोचो कि 250 में कौन सी पार्टी वेयर साड़ियां मिलती हैं, बट ट्रस्ट मी, मैंने बहुत बहुत देखा, ऑनलाइन सर्च करा और मुझे कुछ साड़ियां ऐसी मिली जो मुझे लगा ऐसा पार्टी वेयर, इसे मैं वेयर कर सकती हूँ। बट COVID-19 की वजह से डिलीवरी में डिले हो रही है, तो जब भी वो आएगा मैं उसकी वीडियो शेयर करूंगी। तो आज का जो वीडियो है वो अंडर 500 होने वाला है, वो क्लब फैक्ट्री और फ्लिपकार्ट दोनों से रिलेटेड वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ। दोनों साइड से मैंने एक एक साड़ियां मंगवाई है, एंड जो साड़ी मैंने अभी पहन के रखी हुई है इसका भी वीडियो मैंने शेयर करा है कि ये साड़ी मैंने घर पे बनाई है, कि आप घर पे बहुत ही इजीली डिजाइनर साड़ियां कैसे बना सकते हो। तो इसका वीडियो भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज इस वीडियो को चेकआउट करिएगा। तो चलिए, अभी बहुत ज्यादा बातें कर ली मैंने और मैं जल्दी से आप लोगों के साथ आज का हॉल शेयर करती हूँ। और मेरी झुमकी, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है प्लीज मुझे बताना। नॉर्मली मैं इतना मेकअप करके वीडियो शूट नहीं करती हूँ, बट घर पे बैठे बैठे फ्री है तो मैंने बहुत सारा मेकअप लगा लिया। सो जो फर्स्ट साड़ी है ये मैंने क्लब फैक्ट्री से ऑर्डर करा है। दिस इज अ वेरी नाइस मस्टर्ड येलो कलर, या फिर दिस इज नॉट मस्टर्ड येलो, दिस इज लेमन येलो। आप देख रहे हो ये कितना अच्छा लेमन येलो है। ये किसी भी पूजा, छोटे मोटे फंक्शन में आप इजीली से पहन सकते हो। और ये मैंने क्लब फैक्ट्री से ऑर्डर करा। मैं पूरी साड़ी आपको दिखाती हूँ। ये बहुत दिन पहले मुझे रिसीव हो गया था, बट किसी रीजन से मैं ये हॉल वीडियो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पा रही थी। सो आज मैंने फाइनली आप लोगों के साथ सोचा कि करा जाए। और ये जो इसका जो मटेरियल है दैट इज कॉटन, ये प्योर कॉटन नहीं है, बट कॉटन और सिल्क का थोड़ा मिक्सचर है ये साड़ी। ये टोटली इसी तरह की प्लेन साड़ी है। मैं आपको जब पहन के दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा ये किस तरह की साड़ी है। सी, ये टोटली इसी तरह की कंप्लीट प्लेन साड़ी है, ये देखो आप इसी तरह की। और इस पे सिल्वर कलर की जो है बॉर्डर बने हुए, ये बॉर्डर बहुत ज्यादा मींस आप हाईलाइटेड नहीं होंगे, ये बॉर्डर अंदर से ही इसमें बॉर्डर की कढ़ाई होके रखी है, ये ऊपर से इतना बॉर्डर हाईलाइट नहीं होता है, बट पहनने के बाद ये बॉर्डर आपने समझ में आएगा। और जो इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट इज पल्ला। पल्ला आजकल टैसल्स बहुत ज्यादा इन है, और पल्ला पे ये देखो टैसल्स पूरे में वुलन के टैसल्स बने हुए हैं और ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड जो पल्ला है, पल्ले में भी बीच बीच में इस तरह की लाइनिंग बनी हुई है सिल्वर थ्रेड की। ये एक्चुअली प्रिंटिंग नहीं है, ये धागे से ही इसके अंदर में कढ़ाई की गई है। इस तरह की पूरी पल्ले में आप देखो सिल्वर कलर की लाइनिंग बनी है, जो ओवरऑल साड़ी को बहुत अच्छा बनाता है। और इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, अगर मुझे इसे रेट करना हुआ तो मैं इसे रेट करूंगी 5 out of 4। बस इसकी एक बात अच्छी नहीं लगी, आप परचेस कर सकते हो, बट मैं 1 star से इसलिए कम दे रही हूँ क्योंकि अगर ये आप साड़ी लेते हो और आप पहनने का प्लान बनाते हो तो आपको पहले से इसे अच्छे से आयरन अप करके रखना पड़ेगा। आप अगर कवर्ड में इसे इसी तरह डाल दोगे तो ये रिंकल्स आ जाएंगे इस पे। तो आपको अगर पहनना है तो इसे आप एक दिन पहले से अपने माइंड में सेट कर लो कि मुझे ये साड़ी पहनना, और उसी तरह से आपको इसको आयरन करके रखने पड़ेगी। बट प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ये 5 out of 5 है, ये अपने प्राइस को बिल्कुल जस्टिस करता है। इसे मैंने खरीदा है 399 rupees में, तो 399 में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि इससे ज़्यादा आपको मिले, बट ये बहुत अच्छी साड़ी है। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगी कि आप ये साड़ी अगर मंगवाना चाहो तो मंगवा सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो दिस इज माई फर्स्ट साड़ी, मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, प्लीज मेरे मेहनत के लिए एक लाइक करिएगा एंड वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
जो सेकंड साड़ी मैंने मंगवाई है, मुझे लगता है फ्लिपकार्ट वालों ने ये मुझे गलती से ये साड़ी डिलीवर कर दिया है। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर पेस्ट कर दूंगी कि एग्जैक्टली मैंने कौन सी साड़ी ऑर्डर की थी और मुझे कौन सी साड़ी रिसीव हुई है। बट जो भी रिसीव हुई है मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैंने एक्सचेंज नहीं करा। और बहुत उस साड़ी के आसपास है जो साड़ी मैंने पसंद की थी। और ये 500 की रेंज की साड़ी बिल्कुल भी नहीं है, इसका प्राइस उससे ज़्यादा है। सी, ये एक ग्रे और ब्लैक कलर की साड़ी है, आप जैसे कि देख पा रहे हो, दिस इज ग्रे एंड ब्लैक कलर साड़ी। और ये जो ग्रे मटेरियल है इसका, ये थोड़ा, और इसका जो ये ग्रे मटेरियल है ना, आप देखो ये थोड़ा, ये जो स्ट्रेच होता है ये थोड़ा लाइक्रा टाइप का है। और इसपे, सॉरी मैं उल्टा दिखा रही हूँ आपको, और इस पे ये देखो आप, बहुत ही अच्छी एक सीमर है। और इस तरह की साड़ियां भी बहुत ज्यादा इन है। अगर आप जितने भी कपड़े देखोगे इस सीजन में 2020 में, ये आपको एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ कि थोड़ा गॉडीनेस कपड़ों में, हर कपड़ों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये साड़ी जब मैंने साइट पे देखी थी तो वो भी लाइक्रा ब्लेंड था, बट ये टोटली डिफरेंट साड़ी मुझे रिसीव हुई है, लेकिन मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और अंडर 500 मींस दिस इज वाओ। जो साड़ी मैंने ऑर्डर प्लेस करा था वो 499 का था, तो मुझे उसी प्राइस पे रिसीव हुई है, बट ये वो साड़ी नहीं है। सो इसी तरह ये हाफ एंड हाफ साड़ी है, ये देखो हाफ में ये इस तरह का है। दिस इज सो डिफिकल्ट टू सो 5 मीटर साड़ी। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा हैंडल आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो प्लीज इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए, मैं वहां पे छोटे मोटे अपडेट्स करते रहती हूँ, चिट चैट करते रहती हूँ, प्लीज मुझे वहां पे फॉलो करिए। सो दिस इज द पल्ला, दिस इज सो नाइस, ये बहुत प्रिटी है, मुझे ये बहुत। और इस पे जालवक की कढ़ाई की गई है, पूरे पल्ले पे जालवक की कढ़ाई होके रखी है, थ्रेड की जो है वो कढ़ाई होके रखी है। और बॉर्डर यहाँ पे ग्रे कलर का लगा हुआ है, और यहाँ पे छोटे छोटे राइनस्टोन लगे गए हैं, और ये बॉर्डर ऊपर से स्टिच करा गया है। और जो पल्ला है वो नेट का है, ये जो पल्ला है ये नेट का है, ये पल्ले के कॉर्नर पे भी इस तरह की चौड़ी सी बॉर्डर लग के लगी हुई है, तो ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये टोटल साड़ी का जो है वो लुक हुआ, और नीचे में भी इसकी बॉर्डर लगी हुई है, आप देखो ये जो हाफ एंड हाफ जिसकी प्लीट्स में बनाऊंगी, ये हाफ एंड हाफ यहाँ पे भी बॉर्डर लग के रखी हुई है, तो ये बहुत सुंदर लुक देता है। सो ये मेरी दोनों साड़ियां थी। और ट्राई ऑन के पहले प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। अगर आपको ये लगता है कि ये साड़ियाँ किसी को परचेस करनी चाहिए तो प्लीज शेयर करिएगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए जल्दी से आज का ट्राई ऑन देख लेते हैं।